ऐसी लीलाएं होती रहती हैं, चमत्कार होते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक ब्रजवासी को साक्षात श्री जी ने दर्शन दिए। एक जो लीला बताई थी कि उसमें साक्षात एक ब्रजवासी को हमारी श्री जी ने सहारा दिया। कहते हैं ना, सहारों को सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है। तो श्री जी तो बेसहारों को ही सहारा देती है। श्री जी है ही इतनी भोरी, इतनी करुणामयी सरकार है श्री जी। देखिए, इस पर्वत पर हम मोरकुटी के भी दर्शन करते हैं, और जो हमारा दानगढ़ पर्वत है वहाँ के भी आपको दर्शन यहाँ से साक्षात करने को मिलेंगे। जगह खड़े होकर आपको दोनों पर्वतों के उस पीछे से श्री जी की उस चोटी के भी दर्शन कराऊंगा, जो आपने शायद कभी नहीं किए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये दर्शन कीजिए मोर कुटी जी के, जहाँ ठाकुर जी मोर बने। ऊपर देख सकते हैं किस तरह मोर बने हुए हैं। ये तो हमारी मोर कुटी हो गई। और उसके बाद में दोबारा से जो दूसरे दर्शन है वो ध्यान से देखिएगा। अगर जिन जिन लोगों को अगर श्री जी की ध्वजा, श्री जी की जो अटारी है वो दिख जाए तो राधे राधे बोल दीजिएगा। ये सामने है हमारा कौशल बिहारी जी का मंदिर। जिन भक्तों को अगर श्री जी की ध्वजा अगर दिख जाए, श्री जी की अटारी अगर दिख जाए तो राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा। जिन जिन लोगों को श्री जी की ध्वजा दिख जाए तो राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा। सभी लोग एकादशी के इस पावन पर्व पर राधारानी की ध्वजा के दर्शन कीजिए, बोलते रहिए और गहबर वन में डोलते रहिए। राधे राधे तो बोलते रहिए मेरे प्यारे हो, गहबर वन में डोलते रहिए। या रज में डोलोगे तो आनंद कछु और ही आवेगो, क्योंकि यह साक्षात ठाकुर जी को बास है। और ठाकुर जी तो मिलना है तो भैया रज में तो लौटना पड़ेगा, या रज है तो मस्तक तो लगाना पड़ेगा। अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो यह रज है, मस्तक तो लगाना पड़ेगा। तब कहूँ जाके आप है हमारे श्री जी और प्रिया प्रीतम के साक्षात। देखिए, बंदर सेवाएं हो रही हैं ब्रज में, सभी भक्त सेवाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं। देखिए, अब यहाँ नज़ारा नहीं दिख रहा है। जब मैंने दिखाया था आपको वहाँ से साक्षात श्री जी की जो अटारी है वह भी दिख रही थी। तो यहाँ की लीलाएं बहुत प्यारी हैं, आप लीलाओं का आनंद लेते रहिए और राधे राधे तो बोलते रहिए। यह पूरी जो वीडियो है वह यूट्यूब पर भी हम डालेंगे। पूरी मानसिक जो परिक्रमा है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का जो फल है वह आपको साक्षात श्री जी के चरणों में जाकर मिलेगा। जो आप वो साक्षात श्री जी के चरणों में लगेगी। ये सब लीलाएं तो हैं कि आप घर बैठे श्री जी की मानसिक रूप से परिक्रमा देते हो, बिहारी जी का आनंद लेते हो। आप बहुत ही धन्य धन्य हैं आप जो इन लीलाओं का आनंद लेते हैं और जो सभी लोगों को शेयर करते हैं और जोड़ते रहते हैं। जो सभी लोग आपके माध्यम से राधे राधे तो बोलते ही हैं। कहते हैं ना, अगर राधे राधे का अगर नाम अगर किसी जो वहाँ से अगर गुस्से में भी निकले ना तो तब भी श्री जी उन पर कृपा करते हैं। कोई कहता है ना, बाबा राधे राधे तो बोल, और फिर भी अगर जो भी भक्त नहीं बोलता है अगर गुस्से में भी बोल दिया ना तो श्री जी उन पर भी रीझ जाती है। करुणामयी सरकार। और देखिए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि हम ठीक 10 बजे मेरी राधारानी पेस से मंदिर से लाइव आते हैं। श्री जी के अटारी के दर्शन होते हैं, श्री जी का श्रृंगार वर्णन होता है, और उसके बाद में हम चमत्कार जो श्री जी के होते हैं, जो भक्त हमें शेयर करते हैं, उनको भी हम बताते हैं। ठीक 10 बजे हम डेली लाइव आते हैं मेरी राधारानी पेज से। उसके बाद में हम शाम को जो लीलाएं हो रही हैं हमारे भक्तों के बीच में, जो लीला चल रही हैं, वह 7:30 बजे हम इंस्टाग्राम मेरी राधारानी से लाइव आते हैं। आप वहां का भी आनंद लीजिए, जिन्होंने पेज को और चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल मेरी राधारानी स्पेस बरसाना को सब्सक्राइब नहीं किया है वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और राधे राधे बोलते रहिए और जोड़ते रहिए सभी लोगों को। वैसे ही श्री जी की जो लीलाएं हैं बहुत ही प्यारी हैं।
जिनका आनंद आपको आता रहेगा। अब हम पहुंचने वाले हैं कुशल बिहारी जी के मंदिर। पुरुषोत्तम मास की एकादशी का आनंद सच में बहुत ही प्यारा है। देखिए कितनी सिलाएं हैं ये, यहाँ होकर हमें जाना पड़ता है। आ गए हैं पूरे परिक्रमा मार्ग में, हम ऊपर की तरफ से होकर आ रहे हैं, नीचे की तरफ परिक्रमा चल रही है पूरी तरह से। ब्रजवासी ब्रज गोपी श्री जी की परिक्रमा दे रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से श्री जी की परिक्रमा का आनंद लेते हैं। आप घर बैठे भी इस परिक्रमा का जो आनंद ले रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही आनंद लेते रहिए और श्री जी की परिक्रमा का आनंद सच में आपको साक्षात फल मिलेगा। जो भी लोग मानसिक रूप से श्री जी की जो परिक्रमा लगा रहे हैं, वे राधे राधे बोलते रहिए, श्री लाडली लाल विजयते तराम के साथ में जोड़ते रहिए सभी लोगों को। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधा श्री राधा श्री लाडली लाल विजय तीर्थराम। ये साक्षात जो वृक्ष है ना, वो साक्षात संत हैं जिन्हें ब्रज में गहवर वन में इन तरु लताओं के रूप में साक्षात जो दर्शन हो रहे हैं, साक्षात संतों के दर्शन है। ब्रज की वो निधि हैं, ब्रज की वो निधि हैं जिनका आपको आज दर्शन हो रहा है। देखिए श्री जी का चमत्कार ही तो है जो इस पावन एकादशी पर इतने लोग सभी लोग मिलकर श्री जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। श्री जी करुणामयी सरकार है और जल्दी ही बिहारी जी भी कृपा करेंगे, बिहारी जी भी जल्द ही कृपा करेंगे और जो हमारी जो एकादशी है जो आएगी, अगली एकादशी आएगी, हम चाहते हैं सभी लोग मिलकर उसका भी आनंद लीजिएगा। हम हर एकादशी लाइव आते हैं, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए। चलिए हम आपको एक बार ठाकुर श्री राधा दान बिहारी जी महाराज के दानगढ़ के दर्शन करा देते हैं, जहाँ साक्षात प्रिया प्रीतम झूला झूलने के लिए आते हैं। ये जो दर्शन कर रहे हो ना, ये साक्षात प्रिया प्रीतम के झूले के दर्शन है। ऐसा माना जाता है कि आज भी किशोरी जो श्रावण के महीने में ठाकुर जी के साथ यहाँ झूला झूलने के लिए आती है। देखिए बीच में किस तरह से तोते बैठे हुए हैं, ये छोटी छोटी गाय, ये गोविंद की अति प्यारी है गाय बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे। एक बार सभी लोग, मैं मोबाइल इनके चरणों में रखूंगा, आप मत्था टेक लीजिएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में साक्षात गौ के दर्शन, साक्षात गोविंद के दर्शन होते हैं। देखिए
गो माता। तो चलिए मैं एक बार, जय हो जय 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 श्री राधे, जय हो जय जय। तो मैं आपको दर्शन करा देता हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, श्री राधा दान बिहारी जी महाराज का। क्योंकि यह दानगढ़ पर स्थित है इसलिए दान बिहारी है, मानगढ़ पर है वह मान बिहारी हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन पर्वतों पर जो दर्शन है वहाँ सब बिहारी जी हैं। जय हो ठाकुर जी के पास। जय हो लाड़ी लाल। चलिए हम अपनी परिक्रमा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। टीवी को किराया डाले रहा हाँ। जो आप मानसिक रूप से भी परिक्रमा दे रहे हैं उसका हम आनंद आपको और भी दिलाएंगे। और अभी हम आपको श्री राधा रानी के प्रागट उत्सव पर मत्था टिकवाएंगे, साक्षात नारायण भट्टी जी को दर्शन करवाएंगे। जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और ऐसे ही मानसिक रूप से परिक्रमा का आनंद लेते रहिए। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देखिए देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, छोटे छोटे बच्चे दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं। अब तो शेयर कर दीजिए, देखिए शेयर करते रहिए। इन भक्त इन पर रिझते हैं गोविंद, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी दिए जा रहे हैं गोविंद के लिए, किए जा रहे हैं। देखिए ये पुरुषोत्तम मास में दंडवती परिक्रमा का आप जो दर्शन कर रहे हैं ये बहुत बड़े साक्षात दर्शन है। देखिए भक्तों के दर्शन भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। इतनी उम्र में भी श्री जी की दंडवती प्रतिमा लगाना बहुत बड़ी बात होती है। भक्त ये कहते हैं कि भैया हमसे तो परिक्रमा ही नहीं लगती, लेकिन इनको देखिए ये ब्रजवासी हैं, राधा रानी इनको इतनी शक्ति देती है कि इन्हें दंडवती परिक्रमा का सौभाग्य मिलता है। ये सब श्री जी की शक्ति है, मैंने कल भी बताया था, अहलादिनी शक्ति है हमारी राधा रानी। जय हो, हमारी राधा रानी ठाकुर जी की वो अहलादिनी शक्ति है जिनकी वजह से ब्रजवासी श्री जी की दंडवती परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही श्री लाडली लाल विजयते तराम बोलते रहिए और राधे राधे तो बोलते रहिए। अब हम आपको लिए चलते हैं कुशल बिहारी जी के मंदिर की ओर। आप बने रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। देखिए श्री जी की लीला, देखिए कितने भक्त लोग हैं यहाँ दर्शन का आनंद ले रहे हैं। श्री जी ने कोरोना में भी अपनी करुणा बरसाई है। श्री जी ने इस कोरोना में भी, मैं मास्क लगा लेता हूँ क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है, इसलिए लेकिन जब भी आप मंदिर आए बिना मास्क के अंदर नहीं आए, मंदिर में एंट्री ना करें। हम पहले मत्था टेकेंगे उसके बाद में अंदर की ओर चलेंगे। सभी लोग एक बार मत्था टेक लीजिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। लेते रहिए और जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए। और देखिए
लोग जुड़े हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। ओके ओके, चलिए हम यहाँ की परिक्रमा का आनंद दिलाते हैं। यहाँ की जो परिक्रमा है उसका भी हम आपको आनंद दिलाते हैं। ये हमारे कुशल बिहारी जी का मंदिर था, ये देवस्थान विभाग के अंडर में आता है। देखिए ये यहाँ की परिक्रमा है, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे, श्री लाडली लाल बजाते राम। श्री जी की लीला अपरंपार है, जब करुणा करती है ना तो पता भी नहीं चलता श्री जी कब कृपा कर देती हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मंदिर के लिए सिर्फ हम 5 मिनट के लिए आएंगे, क्योंकि 5 मिनट ही हम आपको मंदिर का एक नज़ारा दिखाएंगे। उसके बाद जो हमारा जो डेली जो लाइव का होता है वह आज हम नहीं आएंगे, क्योंकि आज हमारी जो मानसिक रूप से जो परिक्रमा थी वह हमने दिलाई, तो आज हम सिर्फ 5 मिनट मंदिर पर आने के बाद में अपना वीडियो विराम करेंगे। तो आप सभी लोग एक बार जय हो भोले भाव। अब हम आगे की ओर चलेंगे, वहाँ आपको हम नागरी दास जी की जो समाधि है वहाँ की परिक्रमा लगवाएंगे, उसके बाद में नारायण भट्टी जी के दर्शन कराएंगे। आज की जो मानसिक जो परिक्रमा है उसका आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, आप भी आनंद लेते रहिए और सभी को देते रहिए, जोड़ते रहिए। और जिस किसी को भी अगर बरसाना आना है तो वह आ सकता है, लेकिन मास्क के बिना बिल्कुल भी ना आए बरसाना, मास्क जरूर रखें। देखिए राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल बजाते तराम, श्री लाडली लाल बजाते तराम, श्री लाडली लाल बजाते तराम। अब हम पहुंचने वाले हैं श्री नारायण भट्ट जी की तपस्या स्थली पर। यहाँ से साक्षात हमारी किशोरी जी को प्रकट किया गया था, जो हमारे नारायण भट्टी जी के जो लाडले ठाकुर थे वो नारायण भट्टी जी को स्वप्न देते थे, उनके बाद में नारायण भट्टी जी ऐसी लीलाएं करते थे। जो आप देख रहे हैं वह नागरी दास जी की समाधि है, नागरी दास जी का एक ब्रज में एक पद है उसका भी हम बताएंगे। पहले आप एक बार यहाँ परिक्रमा लगा लीजिए नागरी दास जी की, मानसिक रूप से आप राधे राधे बोलते रहिए और मैं मत्था टेकवाऊँगा एक बार आपको, सभी लोग मत्था भी टेक लीजिए। जय हो जय हो, बस दिल थाम कर बैठ जाइए, हम आपको नारायण भट्टी जी के दर्शन कराएंगे, पहले परिक्रमा उसके बाद में दर्शन। चलिए हम पहले परिक्रमा लगा देते हैं, उसके बाद में साक्षात जिन्होंने श्री जी को प्रकट किया था, जैसे अरदास जी के दर्शन किए होंगे आपने, उसी तरह नारायण भट्ट जी के दर्शन करा देते हैं आपको। आप सभी लोग एक बार मत्था भी टेक लेना, जय हो नारायण भट्ट जी, आप एक बार मत्था टेक लीजिए। जय हो नारायण भट्ट जी, मैं एक बार कैमरा अपना रख देता हूँ।
देखिए पूरी तरह श्री राधा रानी शेयर करते रहिए। ये श्री स्वामी जी महाराज विराजमान नारायण भट्ट जी श्री नारायण दास जी तपस्या स्थली यहाँ से साक्षात श्री जी को प्रकट किया गया था। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, श्री जी के महल की ओर चलते हैं। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और सभी को जोड़ते रहिए। अब हम पहुंचने वाले हैं श्री जी के महल, अटारी ऊंची महल विशाल। श्री जी की जो अटारी है ऊंची और जो महल है वो ऊंचा जो महल है वह काफ़ी विशाल है। अब उनके हम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो राधे राधे तो बिल्कुल बोलने के लिए बनता ही है, और ऐसे ही शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी के महल के जो दर्शन है वहाँ भी हम आपकी हाजिरी लगवाएंगे, वहाँ भी मत्था टेकते रहिएगा और सभी जगह शेयर कीजिए ग्रुपों में सभी जगह, ताकि श्री जी की जो मानसिक जो परिक्रमा का जो आनंद है वह आपको मिल सके। वो महक वो खुशबू हमारे यहाँ इस ब्रज मंडल में महक रही है, सच बताऊँ कि ये महक कभी जाती ही नहीं है। ये साक्षात हमारे यहाँ दो पर्वत हैं, एक गोरे पर्वत एक काला पर्वत। जो गोरा पर्वत है वो हमारे श्री जी का पर्वत है, जो काला पर्वत है वे हमारे ठाकुर जी का पर्वत है, क्योंकि वे ठाकुर जी हमारे श्याम वर्ण हैं इसलिए वे काले पर्वत है। श्री जी गोरी हैं, श्री जी हमारी गोरी हैं और इतनी सीधी है, कहते हैं विश्वभान की किशोरी ये तो गैयाने से भी भोरी है। श्री जी इतनी गोरी हैं और इतनी भोरी हैं इसलिए तो वो बरसाने वाली है। तो हमारे यहाँ की जो पर्वत है वह बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ के भी। जब भी आइएगा दर्शनों का आनंद लेते रहिएगा, आप भी आनंद बहुत ले रहे हैं, इतने सभी लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोगों को जोड़ रहे हैं, जो अपने एक क्लिक के जरिए इतने लोगों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, सच में आपको भी उनके जो उनको जो फल मिलेगा ना उसमें से आपको थोड़ा बहुत फल आपको भी मिलेगा। बस जो हमारा इंतज़ार है वह ख़त्म होने वाला है, हम पहुंच चुके हैं। बस ठीक 2 मिनट में हम श्री जी के महल में एंट्री करेंगे, श्री जी के महल में एंट्री करेंगे हम। और मैं आप सभी लोगों को एक और बात बता दूं कि सभी लोग अभी से बता दीजिए कि श्री जी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी होगी। मैंने भी दर्शन नहीं किए हैं, मैं भी दर्शन करूंगा। देखिए सबके भाव क्या क्या हैं, सभी लोग श्री जी की मैंने भी देखिए पहुंच चुके हैं हम श्री जी के महल। जो मेरा भी जो अनुमान है जो मैं आज बताऊं, मेरा अनुमान है कि श्री जी ने आज नीले रंग की पोशाक पहन रखी होगी। देखते हैं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपका जो भी भाव है वह सभी शेयर कीजिए। मैं तो अभी आपके सामने ही आया हूँ। सभी लोग देखिए मेरा भाव तो नीली का है। जो मेरे भाई हैं हैप्पी जी, इनका भाव है कि हरे रंग की, ये कहते हैं हरे रंग की। तो आप सभी लोग देखिए बिना मास्क के कोई भी अंदर ना आए, सभी लोग कमेंट कीजिए मेरा नीली है। अब आपका देखते हैं क्या है, बिना मास्क के कोई भी अंदर ना आए, बिना मास्क या रूमाल के कोई भी अंदर की तरफ ना आए। देखिए पूरी तरह से हर जगह लिखा हुआ है बिना मास्क लगाए मंदिर में
प्रवेश करना सख्त मना है। थोड़ा सा भीड़ बहुत है, हम पूरी तरह से मास्क लगा लेते हैं। सभी लोग कमेंट के जरिए देते रहिए। और मैं पहले एक मिनट के लिए दर्शन करूंगा। देखिए भीड़ बहुत है, लेकिन बिना मास्क के कोई भी ना आए शिव जी के महल में। सभी अपना अपना कलर डिसाइड कीजिए। जो जो भाव हैं आप सभी के, वह ज़रूर शेयर कीजिए। देखते हैं कि किन के भावों में वो ताकत होती है, कौन श्री जी के चरणों तक अपने भाव पहुंचा सकता है। सभी कमेंट कीजिए कि कौन कौन से कलर की पोशाक श्री जी ने पहन रखी होगी। ये श्री जी की ध्वजा है, श्री जी की अटारी। जितना जितना आप शेयर करोगे ना, उतना ही आपको इस परिक्रमा का लाभ मिलेगा। चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए श्री जी के महल की ओर। चलिए चलिए, मैं मंदिर की ओर दर्शन कर लिए हैं मैंने। जो आपका जो भाव है, जो आप लोगों ने कहा कि श्री जी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी है, वह भी मैंने दर्शन कर लिए हैं। देखते हैं कौन कौन भक्त अपने भाव श्री जी तक पहुंचा पाया है। पहले आप एक बार श्री जी की अटारी के दर्शन कीजिए। और सभी भक्तों ने जो भी अपने कमेंट किए हैं, मैं जल्द ही आपके कमेंट जो हैं, जो सस्पेंस है, मैं उससे दूर करने वाला हूं। एक बार आपको श्री जी के महल का ऊपर से एक बार नज़ारा दिखा देता हूं कि ऊपर से महल का आनंद कितना अद्भुत होता है। देखिए ये है हमारा प्यारा बरसाना। जय जय श्री राधे। आज मेरे प्यारे हो, श्री जी ने ना काफ़ी भक्त पहुंच चुके हैं श्री जी के काफ़ी करीब। काफ़ी भक्त श्री जी के करीब तक पहुंच चुके हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। तो मैं बस बताने वाला हूं, एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूं आपको श्री जी के महल से। ये द्वार पूरी तरह से अभी बंद है, लेकिन पिछले वाले रास्ते से दर्शन हो रहे हैं। बिना मास्क के बिल्कुल ना आए। सभी लोग शेयर करते रहिए, बोलते रहिए कि कौन सा कलर की पोशाक है। देखिए श्री जी की अटारी, श्री जी की सफ़ेद छतरी। जय जय श्री राधे। श्री जी का प्यारा बरसाना। देखिए सभी लोग बिना मास्क के बिल्कुल नहीं आए, और सभी के जो कमेंट है पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। चलिए मैं ये क्लियर कर दूं कि श्री जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है। मैंने भी बोला था नीले कलर की पोशाक, सभी लोगों ने अलग अलग बोला, ऑरेंज बोला, येलो बोला, सभी ने बोला। तो चलिए मैं पहले एक जगह बैठ जाता हूँ। और जिस किसी ने भी देखिए बहुत सारे लोग शेयर हैं। अमित नापुन, अमित जी, भावना जी, जो कि हमारी हर वीडियो शेयर करते हैं,
जो कि शेयरों में इनका नाम आता है, टॉप फैन भी हैं, तनु सिसोदिया जी जो कि टॉप फैन है, श्री जी की हर वीडियो हर लाइव अटेंड करती हैं, मनीषा जी हैं जो कि हमें टॉप फैन में हैं, ये हर वीडियो हर लाइव अटेंड करती हैं और शेयर करती हैं, भावना मीरा जी, दीपाली जी शर्मा जी जो कि हमारी टॉप फैन की लिस्ट में रहती हैं, हमारी सारी वीडियो सारे लाइव अटेंड करती हैं, ये हमारी नहीं साक्षात श्री जी की टॉप फैन है, ये साक्षात श्री जी की टॉप फैन है। ऐसे ही दीपिका शर्मा जी कहती है ब्लू, तो चलिए मैं ये क्लियर कर दूं, बैठ चुका हूँ। सभी लोग हमारे देखिए YouTube चैनल मेरी राधा रानी भी बिना स्पेस के वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आनंद है। और शाम को हम ठीक 7:30 बजे मेरी राधा रानी इंस्टाग्राम से श्री जी के भक्तों की वो पर्ची निकालेंगे, श्री जी के भक्तों की वो पर्ची निकालेंगे जिनका सभी भक्तों को इंतज़ार है। पर्चियाँ नाम के साथ में भी होंगी, जो पर्चियाँ होंगी वे नाम के साथ भी होंगी, और जिन भक्तों ने कल 3 जो आंसर दिए उनके नाम की भी हम पर्ची निकालेंगे। देखते हैं वह कौन भाग्यशाली है जो श्री जी के चरणों में रखी हुई पर्चियों में से एक नाम सामने आता है। तो जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल बजैते तराम। आज हमारी श्री जी का बहुत ही मनमोहक श्रृंगार है, श्री जी ने जगमोहन के दर्शन है, श्री जी के 56 भोग में श्री जी दर्शन दे रहे हैं, और आज श्री जी ने जो पोशाक पहन रखी है उसमें नीले रंग का, डार्क नीले रंग का गोटा है, और जो पोशाक का जो कलर है वह स्काई ब्लू है। देखिए हमने भी ब्लू बोला लेकिन हमने ना स्काई बोला, हमारा रंग था नीला, लेकिन श्री जी ने नीले रंग का गोटा है और स्काई ब्लू कलर की पोशाक है, बहुत ही सुंदर आनंद आया। और श्री जी ने चंद्रिका पहन रखी है, मस्तक पर चंद्रिका है, प्यारा सा चंदन है, एकादशी है ना, श्री जी का आज अभिषेक हुआ था, हर एकादशी के दिन भक्तों की तरफ से श्री जी को अभिषेक होता है, श्री जी के जो दूध दही पंचामृत से अभिषेक होता है, उसके बाद में श्री जी के जो दर्शन होते हैं वह अति मनमोहक होते हैं। श्री जी ने चंद्रिका पहन रखी है, प्यारा सा चंदन लगा रखा है, श्री जी की वो प्यारी सी मुस्कान इतनी प्यारी है, यकीन मानिए बहुत ही प्यारी मुस्कान है। उसके बाद में हमारी श्री जी ने एक स्वर्ण पाटिया पहन रखा है, स्वर्ण पाटिया है, और उसके बाद में श्री जी ने एक प्यारा सा छोटा सा हार है, श्री जी के दर्शन मेरे सामने हैं, मैं श्री जी को अपने सामने से देख रहा हूँ, कितना प्यारे दर्शन है, वो प्यारा सा लॉकेट है, उसके बाद में एक सोने का हार श्री जी ने पहन रखा है। आज एकादशी है तो श्री जी के स्वर्ण के श्रृंगार होते हैं, ठाकुर जी और श्री जी सोने के श्रृंगार में होते हैं, और उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी है, सहज किशोरी मेरी, श्री जी तो सहज हैं हमारी, जो कि सहजता के श्रृंगार करती हैं, श्री जी ने सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी है, उसके बाद में एक हार पहन रखा है, साथ में एक माला है श्री जी की, इतना प्यारा श्री जी का छोटा सा श्रृंगार है जो कि बहुत ही प्यारा है श्री जी का। और फिर बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे नटखट गोविंद की, तो भैया गोविंद तो मज़े ले रहा है, जो बात है बिहारी जी तो हमारे यहाँ डेली 56 भोग के प्रसाद ले रहे हैं, चकाचक लड्डू चकाचक पेड़ा, और आज तो 56 भोग में है लाला, आज तो हमारा जो लाला है वो 56 भोग में आनंद ले रहा है, अभी 56 भोग में ले रहा है, दोपहर में राजभोग ले पे फुलका कढ़ी चावल खीर चटनी जिन आनंद ले पे लाला के, तो मजे मजे बरसाने में जई की वजह से ना आ रहा है वो। बिहारी जी में तो खूब चकाचक है ही है, लेकिन श्री जी को भी आनंद डबल आनंद है हमारे यहाँ, चक 56 भोग, राजभोग, लडुआ भोग, खीरमोहन भोग, ये सभी भोग हैं। मैं आपको इन भोगों के बारे में भी एक एक वीडियो बनाऊंगा, जो आपको शेयर करूंगा कि हमारे श्री जी के कैसे कैसे भोग हैं, श्री जी कौन कौन से भोग लगाती है। तो हम बात कर लें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे गोविंद बांके बिहारी की, तो बांके बिहारी जी आज इस तरह से चमके हुए हैं कि भैया एकादशी का दिन है, भक्तों की भीड़ है, आनंद ही आनंद है, और लाला ने सोने के मुकुट पहन रखे हैं, तेज है, टिपारा है, टोपी है,
बीच में आज हरे रंग की जो कटार लगती है ना पीछे की तरफ, जो कानों के पीछे कटार लगती है, आज वो बीच में लगा रखी है, हरे रंग की कटार है, और बड़ा सा मोर पंख है लाला के, इतना प्यारा दर्शन है। श्री जी ने आज डार्क ब्लू कलर का गोटा है, स्काई ब्लू कलर की जो पोशाक है श्री जी ने जो धारण कर रखी है, जिसके अंदर, और लाला ने उसके बाद में प्यारा सा आज गोपी चंदन लगा रखा है, मोटे मोटे नैन है लाला के, स्काई ऐसी चेहरे की मुस्कान है, जब मोटे मोटे लाला के गलुआ हो ना तो मुस्कान बहुत प्यारी होती है लाला की। लाला एकादशी के दिन सभी भक्तों को दर्शन दे रहा है, 56 भोग के दर्शन हो रहे हैं, तो आनंद है, परमानंद की प्राप्ति है आज तो। और उसके बाद में हमारे लाला ने स्वर्ण कंठा है, श्री जी का याद रहता है, स्वर्ण कंठा है लाला के गले में, जिसमें 10 मूर्ति है, उसके बाद में एक सोने का लॉकेट है, क्या अद्भुत आनंद है। उसके बाद में देखिए, मैं आपको एक, पहले मैं श्रृंगार का वर्णन कर लेता हूँ, और अमिता जी मुझे उन दोनों का नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है। तो फिर लाला ने एक सोने का हार पहन रखा है, उसके बाद में एक फूलों की माला तो सबसे लास्ट में है, लेकिन दो सफ़ेद मोतियों की माला लाला ने पहन रखी है। उसके बाद में लाला ने अन्ना बाबा वाला हार पहन रखा है, जो कि अन्ना बाबा जो हार लेकर आए थे, जो श्री जी को अपनी बहन मानते हैं, हर रक्षाबंधन पर श्री जी और ठाकुर जी के लिए सोने के हार भेंट करते हैं, तो लाला ने वह हार पहन रखा है। और उसके बाद में सोने की मटर माला है लाला की, इतनी सुंदर वो मटर माला है कि आप भी उनकी मटर माला की तरह बन जाइए। और उसके बाद में हमारे लाला ने एक सफ़ेद फूलों की माला है, जिसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, हाथ में बंसी है गोविंद के, कमर में लकुट है, श्री जी की ओढ़नी में दर्शन है, श्याम सखी बने हुए हैं, हमारे श्याम सखी बने हुए हैं, और ऐसे प्यारे दर्शन का जो आज सौभाग्य आपने प्राप्त किया, साक्षात आपको किशोरी जी की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी जो हाजिरी है ऐसी लगी रहे, श्री जी आप पर खूब कृपा करें। तो आज के श्रृंगार की जय हो राधा रानी की, जय जय श्री राधे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज हमारी दो छोटी छोटी भक्त हैं, जो छोटी छोटी भक्त हैं, जो हमारा हर लाइव अटेंड करती हैं, जो कि ट्विंस हैं, श्रिया श्रुति, इनका आज बर्थडे है, इनको हम दिल से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, और श्री जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं कि राधा रानी इन पर खूब कृपा करें, जो ये आपका हर लाइव अटेंड करती हैं, और देखिए इतनी छोटी उम्र में लाइव अटेंड करना बहुत बड़ी बात है, कभी ये हमारे लिए लाइव भी आएंगे, हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, ये अपने भाव व्यक्त करेंगे, बहुत कम उम्र में श्री जी को अपनी दोस्त मानती हैं, छोटी सी है ना, तो छोटी सी श्री जी को दोस्त मानती है, फ्रेंड मानती हैं, तो आज हम उनको जन्मदिन की दिल से बधाई देते हैं, और श्री जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, श्री जी उनको ऐसे ही भक्ति बनाए रखें, उनकी जो प्यारी सी हंसी है उनके चेहरे पे हमेशा रहे, यही हम आनंद की कामना करते हैं। बोली लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदा। और सभी भक्तों की हाजिरी है, वे मेरी राजधानी परिवार की ओर से सभी भक्तों की हाजिरी, क्योंकि देखिए बहुत सारे भक्त हैं, हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप सभी मेरी राजधानी परिवार से जुड़े हैं, तो आप सभी की हाजिरी मेरी राजधानी परिवार की तरफ से हम श्री जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और शाम को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इंस्टाग्राम मेरी राजधानी पर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा, वहाँ भी आप जो शाम को जो पर्चियाँ खुलेंगी उसका आनंद बहुत ही आएगा, वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक 7:30 बजे हम वहाँ लाइव आएंगे। तो आज हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं, मिलते हैं
और 11 बजे हम स्पेशल सरप्राइज के साथ में आएंगे, जो भी है वो अभी डाल देते हैं। श्री जी आप पर खूब कृपा करे, बोली राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली आज के आनंद की जय हो, राधा रानी की जय हो। देखिए पीछे से कितना प्यारा बरसाना, कितना अद्भुत लगता है, कितना प्यारा लगता है श्री जी का महल। और पीछे सभी ब्रजवासियों की वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कुटियाँ हैं, श्री जी की छाया उनके कुटियाओं पर है, समझ लीजिए साक्षात ब्रजवासियों पर कृपा है श्री जी की। राधा रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे और आप पर भी खूब कृपा बनी रहे श्री जी की, और आप जो आनंद लेते हैं वे लेते रहिए। और हमारा जो आज का जो शाम 7:30 बजे का जो प्रोग्राम है उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज शाम को एक तो 3 भक्तों की पर्ची निकलने वाली है, जो 3 भक्तों की पर्ची निकलने वाली है वह भी स्पेशल है, और साथ में हम पर्चियां डालेंगे श्री जी के चरण में पर्चियां डालेंगे, उसका भी आनंद आएगा। आप बने रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, ऐसे ही शेयर करते रहिए। 11 बजे का है वह मैं अभी डालता हूँ कि आज हम आपको साक्षात दर्शन कराएंगे, एक स्पेशल सरप्राइज है। आप एक बार जो भी हम आएंगे वो आएंगे फेसबुक पर आप सर्च करते रहिएगा 11 बजे, जो भी हम 11 बजे जैसे भी होगा ना, जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ की हम स्टोरी के रूप में डालेंगे। आप 11 बजे एक बार वहाँ चेक कर लेना कि वो आनंद क्या होगा। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आज साक्षात एकादशी पर, आपको बहुत आनंद आएगा। राधे राधे तो बोलते रहिए और बरसाने का आनंद लेते रहिए, और ऐसी तरह ब्रज की परिक्रमा करते रहिए। पुरुषोत्तम मास की इस पावन एकादशी पर आपको साक्षात इस एकादशी का फल मिलेगा। तो बोलिए आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे।